एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पियोना स्टोर की मेकअप ब्रशेस का सेट। और ये वाला लुक आप देख सकते हो, इसको मैंने अभी वीडियो में अपने चैनल पे वैलेंटाइन मेकअप लुक शेयर किया हुआ है, तो ये मैंने वही लुक है अभी, क्योंकि उसके बैक टू बैक मैंने वीडियो शूट करी हुई है। सो आपको यही वाला लुक देखने को फिलहाल अभी मिलेगा। ओके, तो चलो वीडियो पे आते हैं। वीडियो आज की होने वाली है ये पियोना स्टोर की मेकअप ब्रशेस का सेट। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। इसकी MRP 800 या 850 रुपीज़ से। ब्रशेस बहुत अच्छी है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि इस तरीके की पैकेजिंग थी, इस तरीके के आपको रैप करके आया था। इसमें बॉक्स था वो, जो कि मैंने हटा चुकी हूँ क्योंकि ये मुझे ऑर्डर आए 1 वीक हो चुका है। सो इस तरीके की पैकेजिंग है, जो कि मैं इसको अभी हटा के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर रिबन मिलेगा, आप देख सकते हो बहुत अच्छी पैकेजिंग है। लेदर बैग के साथ आपको ब्रशेस का सेट मिलेगा। बैग की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो पियोना स्टोर करके लिखा हुआ है, ये पियोना स्टोर ब्रांड है मेकअप का। ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है यूट्यूबर से, ब्रश ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ब्रिसल्स जो हैं ब्रश के वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके का रिबन है, इसको जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये बैग ओपन होगा और आप देख सकते हो यहाँ पर 24 ब्रशेस का आपको सेट मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, 800 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अफोर्डेबल है, जहाँ आप 24 ब्रशेस का आपको पूरा सेट मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ब्रश मिल रही है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पियोना स्टोर की, मैं आपको वन बाय वन ब्रशेस दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको ये पियोना स्टोर की ब्रश मिल रही है, एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले जो आपको ब्रश मिल रही है ये इस तरीके की फैन ब्रश है, बिग फैन ब्रश इसको बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छी जो अमेजिंग मुझे लगा है वो ये कि हर ब्रश में इसमें नेम लिखा हुआ है, कौन सी ब्रश किस तरीके वर्क करती है और उस ब्रश का नेम क्या है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बिग फैन ब्रश और पियोना स्टोर का ब्रांड लिखा हुआ है। इस तरीके से वुडन में है ये, उसके बाद इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसकी ब्रिसल्स में पैकिंग किया हुआ है। नीचे इस तरीके की इसने पैकेजिंग करी है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, जिससे कि ये जो ब्रश का ये जो शेप है ये ख़राब ना हो। एक सेकेंड, हाँ। सो इस तरीके से ये ओपन होता है और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी ब्रिसल्स। आई थिंक बहुत अच्छा वर्क करेगी ये, आपके हाइलाइटर के तरीके आप इसको लगा सकते हो और पाउडर भी आप लगा सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। उसके बाद जो आपको सेकेंड मिल रहा है वो इस तरीके का है, वो पाउडर ब्रश लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपके पाउडर लगाने का, जो भी आप पाउडर लगाते हो लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट, तो वो आप लगाने के लिए ये वाली है। इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रशेस दी हुई हैं। उसके बाद कॉन्टोरिंग ब्रश दी हुई है, ये जो एंगल ब्रशेस होती है इसे आप कॉन्टोर कर सकते हो ना। यहाँ पर ब्लश वाली ब्रश है जिसे आप ब्लश लगा सकते हो ईजिली। तो ये सब आपके लिए पहली जो दिखनी है वो फेस मेकअप के लिए, ये ब्लेंडेबल है और ये फाउंडेशन लगाने के लिए। आप देख सकते हो, मैं इसको दिखाऊं, ये देखिए ये वाली बिल्कुल फ्लैट है, ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए है। बहुत अच्छे से इससे फाउंडेशन आई थिंक अप्लाई होगा और आप देख सकते हो इसकी बहुत ब्रिसल्स, आप देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी ब्रश हैं, इसके बाद यहाँ पे तो आपकी फैन और पाउडर और फाउंडेशन वाली ब्रश मिल गई। उसके बाद यहाँ पे ये है, ये सारी आई ब्रशेस वाली वो है। तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये है आपकी लार्ज आई शेडो ब्रश, जिससे कि जब आप स्पार्कल लगाते हो जैसे कि और शिमर वाला होता है तो आप उससे ये वर्क कर सकते हो। नाउ सेकेंड है फ्लफी ब्रश, जिससे कि आप ब्लेंड कर सकते हो अपने आई शेडो को। नाउ उसके बाद ये स्मजिंग, स्मजिंग आपको काजल स्मज करना हो सो काजल स्मज करने के लिए ब्रश है इसमें। मतलब आपको टोटली आई वाली ब्रशेस मिल रही। देन यहाँ पे लिप ब्रशेस है, उसके बाद यहाँ पे ये कॉम्ब वाली जो है वो ब्रशेस है, लिप ब्रशेस है। बाकी जो भी आपका फेस मेकअप है जैसे कि फाउंडेशन हो गया और पाउडर हो गया, ब्लश हो गया, कंटूरिंग हो गया, वो सारी हैं। उसके बाद यहाँ पर दी हुई है मीडियम आई शेडो ब्रश, मतलब कि जिससे आई शेडो आप लगाते हो, क्रीज लाइन जो आपको बनानी होती है वो वाली है। यहाँ पर सारी ब्रश आपको एक सेट में मिल रहा है, 800 MRP है, आई थिंक बहुत अच्छा MRP। उसके बाद क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, लेदर पाउच मिल रहा है पूरा, जिसमें आप आराम से स्टोर करके अपनी मेकअप ब्रशेस रख सकते हो, जिससे आपकी ब्रशेस ख़राब ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्मॉल फैन ब्रश दी है, जैसे कि आप जो भी हाईलाइटिंग
पॉइंट है, अगर आपको बड़े वाली नहीं इस्तेमाल करनी है सो आप ये वाली इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके की है और इसमें भी इसी तरीके का ये लगा है, जिससे कि ये जो इसकी शेप है वो ख़राब ना हो। और इससे भी आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो अपनी नोज़ एरिया, चीक एरिया और ब्रो बोन, इनको हाईलाइट करने के लिए ये ब्रश बहुत अच्छी है। सो आने वाली वीडियोस में मैं ये ब्रशेस से ही अपना मेकअप करूँगी, सो मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद ये देखिए कोम्बिंग के लिए, जो आप अपनी आईब्रो को कोम करते उसके लिए ये ब्रश दी हुई है इस तरीके से है, ये देखिए। और ये थोड़ी सी टेंट है जिससे कि आप अच्छे से अपने ब्रोस को कॉम कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। देखिए तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। नाउ उसके बाद यहाँ पे है आईलाइनर की ब्रश दी हुई है, जब भी आप जेल आईलाइनर अप्लाई करते हो, जो जेल आईलाइनर्स आते हैं उसके लिए ये है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये स्मॉल और बिल्कुल पतली सी है, जिससे आईलाइनर आपका इजीली लग जाएगा। उसके बाद एक और आईलाइनर की ब्रश है जो कि थोड़ा बोल्ड, जो भी आप वो आईलाइनर लगाते हो तो उन लोगों के लिए है ये, और बहुत अच्छी ये भी ब्रश है। आप देखिए इसको, अगर आप आईलाइनर जेल आईलाइनर जिनको लगाना पसंद है उसके लिए है ये ब्रश। थोड़ी सी ब्रॉड है जिससे कि आपका जो आईलाइनर है वो थोड़ा बोल्ड टाइप में लगेगा। उसके बाद यहाँ पर है कंसीलर की ब्रश, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को कंसील करने के लिए। नाउ उसके बाद है ये लैश की ब्रशेस, तो मैंने बता दी। उसके बाद आप देख रहे होंगे लास्ट में ये 3 ब्रशेस का सेट मिलेगा, जो हर बॉक्स में मे भी आपको मिलता है, जिसमें इस तरीके का यहाँ पे कॉम है और इस तरीके से ब्रश है। सो ये एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर है जिससे कि आप अपने कॉम कर सकते हो, और इससे जैसे कि स्पार्कल्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हो। सो ये बहुत हार्ड होता है, इसको कोई जल्दी यूज़ नहीं करता, इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा, बस हाँ एक है कि एक ब्रश है। उसके बाद ये स्पॉन्ज आयुष की, इसमें 24 पीसेस का पूरा सेट मिल रहा है आपको 800 रुपीज़ में। आई थिंक बिगनर्स के लिए बहुत सही है, क्योंकि ब्रशेस में नेम भी लिखे हुए हैं। आपको एक पाउच भी मिल रहा है जिसमें आप अपनी ब्रशेस को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेटर्स इसके बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। MRP की बात करें तो ये 800 रुपीज़ की है। आई थिंक आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 800 इतना ज़्यादा अफोर्डेबल आई थिंक नहीं है। बट अगर आप अच्छी क्वालिटी मांग रहे हो और अगर आपको इस तरीके की ब्रशेस पूरा सेट चाहिए, सो आई थिंक आप लोग प्यूना स्टोर की ही लीजिएगा, क्योंकि जो 200-300 रुपीज़ की हैं अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। बट बिगनर्स के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो, आप बिगनर हो अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आई थिंक ये वाली ब्रशेस बहुत अच्छी हैं और मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही या नहीं। सो गाइस मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।